भोजपुरी सिनेमा को मैंने बनाया, भोजपुरी सिनेमा मेरी वजह से चल रही है, भोजपुरी को विश्व भर में मैंने प्रचार प्रसार किया, ऐसा कहने वाले आज भोजपुरी सिनेमा में बहुत से लोग हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो ये है कि भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ श्री स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की वजह से जानी, परखी और समझी जाती है। आप जानते हैं या नहीं भिखारी ठाकुर जी को, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, ये वीडियो खास तौर से उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे अचानक से भिखारी ठाकुर जी को लेकर उनका परिचय देते हुए उनकी जीवनी पर ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, तो आपको बताएं कि आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके बारे में आज के दिन अगर नहीं जाना तो फिर क्या ही जाना। चलिए आपको पढ़कर बताते हैं भिखारी ठाकुर जी के बारे में कि कैसी शख्सियत आखिर वो थे। भोजपुरी रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक, विख्यात काव्य नाटक विदेशिया के लेखक भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने इसी भाषा में अपने काव्य रचे जो भोजपुरी समाज में लोगों की जुबान पर चढ़े। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर यानी दियरा गांव में एक नाई परिवार में हुआ। जीविकोपार्जन के लिए खड़गपुर गए और खूब पैसे कमाए, लेकिन मन नहीं भरा तो गाँव की तरफ फिर रवाना हो गए। एक नृत्य मंडली बनाकर रामलीला खेलने लगे और भोजपुरी में लिखना भी प्रारंभ कर दिया। 10 जुलाई 1971 को 84 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया। अब आगे उनके काम को जरा भोजपुरी में पढ़ने की कोशिश करें। नाच आ रामलीला के शौकीन भिखारी अपन खुद के मंडली बना के रामलीला शुरू कई ले। बाद में ऊए मंडली खातिर खुदे नाटक आ गीत रचे शुरू कई ले। ये मंडली में खुद नचनिया एक्टर असूत्रधार के रूप में पार्ट खेले। धीरे धीरे उनके मंडली भोजपुरी इलाका में बहुत प्रसिद्ध हो गई। बाद में उनके लिखल रचना पटना अबनारस से किताब के सकल में छपल। उनसे सबसे प्रसिद्ध नाटक विदेशिया के आधार पर बना के एक ठो फिल्म भी बनल। भिखारी ठाकुर के रचना में विदेशिया आ बेटी बिचवा बहुत नामी भई। खासतौर से इन नाटकन में इस्तेमाल होके वाला गीत सबके धुन विदेशिया के नाव से चलन में आइल आ। आजो ई गाना के एक अलग ही पहचान बाटे। भिखारी के ओ समय के समाज में व्याप्त कुरुति सबके ऊपर अपना व्यंग करे आ बदलाव के जरूरत महसूस करावे खातिर जानल जानल। आवेला आसाज मास, लागेला अधिक आस, बरखा में पिया रहितन पासवा बटोहिया, पिया ऐतन बुनिया में राखी लिहतन दुनिया में, अखरेला आधिका सवन वो बटोहिया, सभे देली सभे खेली दही कादो, आई जब मास भादो सभे खेली दही कादो, कृष्ण के जन्म बीती असही बटोहिया, आसिन महीनों के कड़ा धाम दिनवा के, लुकवा समानवा बुझाला हो बटोहिया, कार्तिक के मासवा में पियऊ का फांसवा में, हाड़ में से रसवा चुवत बा बटोहिया। इस तरह की कई कविताएं श्री भिखारी जी ने लिखी और कहीं ना कहीं प्रख्यात हुए। प्यार विलाप को लेकर के क्या लिखा था ये भी जान लीजिए। हाय हाय राजा कैसे कटिया, हाय हाय राजा कैसे कटी सारी रतिया, जब ले गई ले राजा सुधिया न लिहले, लिखिया न भेजे पतिया, हाय हाय राजा कैसे कटिए सारी रतिया, हाय दिनवा बितेला सैया बटिया जोहत तोर, तारा गिनत रतिया हाय हाय जब सुधी आवे सैया, तोरी सुरतिया बिहरत मोर छतिया, हाय हाय नाथ शरण पिया भैले बिदरदा, मान लेना मोर बतिया, हाय हाय। इस तरह की कई कविताएं भिखारी ठाकुर जी ने लिखी और कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत बड़े महारथियों में शुमार किया, शामिल किया और आज उनकी पुण्यतिथि है। और अगर जब जब विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी भोजपुरी समाज की बात होती है तो भिखारी ठाकुर जी का आना नाम अनिवार्य ही होता है।
कमेंट बॉक्स में जाकर भिखारी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करिए। नमस्कार।